गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियोस में हम सुनीता की पहिया कुर्सी, सुनीता की पहिया कुर्सी हम आज यह पार्ट देखने वाले हैं। पार्ट क्रमांक 12, सुनीता की पहिया कुर्सी। तो इस पार्ट में चलो देखते हैं हम क्या है। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कितने बजे सोकर उठी? 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। सुनीता सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। कहाँ जाना है? सुनीता को याद आया कि आज मुझे बाजार जाना है। फिर सोचते ही बाजार जाना है ऐसा सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी आंखें नींद से जगी। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। कहाँ जाने वाली थी सुनीता? आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा। और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। सुनीता ने क्या किया? अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है, क्योंकि सुनीता को पैर का प्रॉब्लम है तो उसे हमारी तरह चलना नहीं आता, इसलिए वो पहिया कुर्सी से ही चलने का पहिया कुर्सी ही उसका चलने फिरने का सहारा है। चलने के लिए पहिया कुर्सी का सहारा कुर्सी की मदद लेती थी। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटना चाहती थी। सुनीता आज सारे काम फुर्ती से निपटना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। कपड़े बदलना, जूते पहनना, ये सारे काम उसके लिए बहुत ही कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। पर उसको ये जो सारे काम थे वो बहुत ही कठिन जाते थे, और उसने ये जो स्वयं के काम है ये करने के लिए, रोजाना के जो काम है वो करने के लिए स्वयं ही कुछ तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ना, सुनीता ने कहा। माँ अचार की बोतल पकड़ना अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता ने क्या कहा? माँ अचार की बोतल पकड़ाना। तो माँ ने उसे बोला कि अलमारी में रखी है, ले लो। फिर क्या हुआ? सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। खुद वो पहिया कुर्सी से
जाकर अलमारी के पास गई और खुद से ही अचार की बोतल ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? सुनीता नाश्ता करते करते सुनीता ने पूछा कि माँ बाजार से क्या लाना है? फिर माँ ने जवाब में बताया, 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? सुनीता ने कहा, सुनीता की माँ ने कहा, 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? फिर सुनीता बोली, पक्का। सुनीता ने मुस्कुराते हुए माँ से कहा, मैं पक्का ले आऊंगी माँ, मैं पक्का संभालूंगी। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। सुनीता ने माँ से एक पिछवी थैली और कुछ रुपए लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता ने अपनी माँ से कुछ रुपए और बाजार लाने के लिए सामान लाने के लिए एक थैला पिछवी लिया झोला लिया और अपनी खोपैया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। चूंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती रही। बच्चे जो रस्सी खेल रहे थे गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास भी हो गई, क्योंकि उसे लगा कि काश मैं भी इन बच्चों के साथ खेल पाती, रस्सी कूद पाती। तो थोड़ी देर वह उदास हो गई, वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी और जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। खेलते खेलते वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। सुनीता और वो लड़की दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। फिर क्या देखा सुनीता ने? एक लड़का देखा और उस लड़के को कुछ बच्चे छोटू छोटू कर कहकर चिढ़ाने लगे, क्योंकि वो हाइट में छोटा था। इसलिए इस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो सारे बच्चे उस छोटे बच्चे को चिढ़ा रहे थे ना छोटू छोटू करके, तो वो थोड़ा हाइट से छोटा था, तो ये सब सुनीता को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। तो भी वो लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए। पहले तो वह मन ही मन खुश होने लगी। खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तारीफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं?
सुनीता पहले तो मन ही मन खुश हो गई, परंतु सोचने लगी, फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ देखकर क्यों मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली, जो खेल के मैदान में जो उसकी माँ उस लड़की को लेने के लिए आई थी, वही लड़की सुनीता को खेल के मैदान कपड़ों के दुकान में फिर से सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है, उस लड़की ने सुनीता से पूछा। उस लड़की ने सुनीता से क्या पूछा, तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है, उस लड़की ने सुनीता से पूछा। सुनीता ने यह तो बस एक, सुनीता ने जवाब देते हुए कहा कि यह तो बस एक, ऐसे बोलते वह रुक गई। सुनीता जवाब देते सुनीता से पूछा, सुनीता यह तो बस एक, ऐसा कहा सुनीता ने और फिर वो रुक गई। सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। क्या किया उस लड़की की माँ ने, जो लड़की सुनीता से बात कर रही थी, तो उस लड़की की माँ ने सुनीता को उस लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। उस लड़की की माँ ने उसे कहा, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, उसकी माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। सुनीता ने कहा, दुखी होकर सुनीता ने कहा, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई, अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था, दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चलना था, सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था, उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आसपास के सारे लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था ना, वही लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अचानक क्या हो गया कि सुनीता ने देखा था कि जिस लड़के को कुछ बच्चे छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, वही बच्चा सुनीता के सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उस बच्चे ने सुनीता से कहा, मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ, उस बेटे ने छोटे बच्चे ने कहा, अमित ने, कि मैं अमित हूँ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। मेरा नाम सुनीता है, सुनीता ने बोला, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओ, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओ, ऐसा उस सुनीता ने बच्चे से कहा। दबाओगे, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे, उस लड़के ने कहा, हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा, फिर उसने पिछले पहिये को भी चढ़ाया, फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब
मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने एक किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। सुनीता को बुरा लगा कि उसने दुकानदार ने जो थैली थी सामान की, चीनी की थैली, उसकी गोद में रखी। दुकानदार को शायद लगा कि वो हाथ से पकड़ नहीं पाएगी, गिर जाएगी, तो इसलिए उन्होंने गोद में रखा। पर सुनीता को इस बात का बुरा लगा। सुनीता ने फिर से कहा, मैं दूसरे बच्चों के साथ जैसा खुद सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अमित ने कहा। जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ। सुनीता ने कहा, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसा अमित ने कहा कि शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। पर कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? ऐसा मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ। ऐसा सुनीता ने कहा। क्या कहा सुनीता ने? कि मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर चलती आई हूँ। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं और आगे का पार्ट स्वाध्याय हम कल के वीडियोस में लेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट आपको पढ़ के रखना है और जो स्वाध्याय दूंगी मैं वो भी आपको सॉल्व करना है। ओके, ठीक है।